मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चेक करेंगे कि कंपनी का चुनाव यानी कि किस कौन सी कंपनी के साथ में हमको नेटवर्क मार्केटिंग MLM में जुड़ना है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने से पहले हमें चेक करना है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसके फाउंडर कौन है, उसका चेयरमैन कौन है और ये कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत में प्लान देखते ही साइन कर देते हैं, बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये स्कीम है या बिज़नेस है। ठीक है, तो ये जानकारी आपने पहले लेना है कि इसका टर्म कंडीशन क्या है और कंपनी का बैकग्राउंड क्या है जी। और सबसे पहली बात, ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो किस तरह से मार्केट में चल रहा है या आने वाले समय में इसका क्या फ्यूचर प्लान रहेगा, और ये कंपनी का पे आउट यानी कि पेमेंट किस प्रकार से करती है। पूरी तसल्ली होने के बाद में कोई सीनियर लीडर से यानी कि आपका कोई एक मित्र से उसके बारे में जो जानता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उससे एक बार बैठ के इसकी तसल्ली से पूरी इस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद में आपने नेक्स्ट कदम बढ़ाना है। दूसरी चीज़, आपने उस जिस कंपनी के साथ में शुरुआत की है उस कंपनी के सीनियर लीडर के साथ में आपने कमिटमेंट रहना है, उसके साथ में अच्छी बेहतर तरीके से दोस्ती रिलेशनशिप बनानी है और पूरे बिज़नेस की जानकारी लेना है। बिज़नेस की जानकारी के साथ साथ प्रोडक्ट की जानकारी भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगा तभी आप बिज़नेस को डेवलप कर सकेंगे। प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में पूरी जानकारी लेनी है आपने। ठीक है, और अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ पंचुअल होना है। किस चीज़ के लिए? टाइम के लिए और मनी के लिए पंचुअल होना है। किस नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर एज लिमिट नहीं होती है। 18 साल के बाद में आप किसी भी एज में कहीं भी शुरू कर सकते हैं। ना कि आज गवर्नमेंट जॉब होना है तो उसकी एक एज लिमिट होती है, अगर डॉक्टरी करना है तो उसकी एक एज होती है, इंजीनियरिंग करनी है तो उसकी एक एज लिमिट होती है। बट यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, आप किसी भी एज में इसको प्रारंभ यानी शुरू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है हमारे पास जी। और बहुत से लोग इसलिए यहाँ पर फेल होते हैं, उनका रीज़न यह होता है कि ये रातों रात अमीर करोड़पति बनने के ख्वाब देखकर बिज़नेस को शुरू करते हैं, ना कि सीखने में अपना समय लगाते। आज तकरीबन लोग 100% में से 95% फेल क्यों होते? रीज़न है कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट प्लान को सीखने के लिए आप समय लगाइए 2 से 5 साल, और 2 से 5 साल के बाद में आप देखेंगे जो चीज़ आप चाहते थे, जो आपने कल्पना की थी कि इस इंडस्ट्री से आप जो बनाना चाह रहे हैं पेबल पेमेंट, वो आप पा रहे होंगे दोस्तों। और सबसे ख़ास बात क्या है कि आपके 2 से 5 साल में आप अपने आप को टोटली चेंज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जो नेटवर्क मार्केटिंग में यानी जो कंपनी के साथ जुड़े, पहले उसे चेक कीजिए दोस्तों, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, आने वाले समय में आपके साथ में टीम की डेवलपमेंट कितनी होने वाली है इस प्लान के थ्रू। तो आपने सारी चीज़ों को ध्यान रखकर इसको शुरू कीजिए दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। ओके, चलो मिलते हैं दोस्तों एक नए शिखर पर।